हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट के अंदर आप किस तरीके से एपीआई कॉल करवा सकते हैं, कंपोनेंट के माउंट होने पे आप किस तरीके से एपीआई कॉल करवाएंगे, और किसी बटन के क्लिक के ऊपर किस तरीके से आप एपीआई को कॉल करवाएंगे, और हम उस एपीआई का डेटा रेंडर करवा के भी दिखाएंगे यूआई पे हमारा डेटा किस तरीके से शो हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एपीआई कॉल के लिए आप किस क्या क्या यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले एपीआई कॉल के लिए आप फैच मेथड यूज़ कर सकते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट खुद से देता है। दूसरा, आप रिएक्ट के अंदर एक्सियोस कॉल करवा सकते हैं। एक्सियोस को इंस्टॉल करके एक्सियोस के द्वारा भी कॉल करवा सकते हैं। एक्सियोस एक काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्सों में यूज़ होती है, तो हम इस वीडियो में एक्सियोस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक्सियोस इंस्टॉल करेंगे। एक्सियोस इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड चलानी है npm इंस्टॉल एक्सियोस। सो मैं ये पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप पैकेज डॉट जेसन में देख सकते हैं। एक्सियोस यहाँ पर हमारा इंस्टॉल होगा, यहाँ पर एक्सियोस वर्जन 1.4.0 पहले से इंस्टॉल है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो npm इंस्टॉल एक्सियोस करके कमांड चला के आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी हमारा ये ऐप रन होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने सिंपल एक डिव टैग लिया है। डिव टैग के अंदर लिखा है हाउ टू कॉल API इन रिएक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं API दिखा देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास दो API हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमें 100 पोस्ट गेट करनी पड़ेंगी। 100 पोस्ट को गेट करेंगे और उसके बाद हम उन पोस्ट पर क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पोस्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो जब हमारा कंपोनेंट बाउंड होगा तो हम इन पोस्ट को गेट करेंगे, उसके लिए API लगाएंगे, और जब इन पोस्ट के किसी भी एक आइटम पर क्लिक करेंगे वो वाली पोस्ट हम ला के देंगे किस API से, यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप कोड डॉट कॉम स्लैश टू डूज 10 वाली API से। मतलब जो ID यहाँ पर है उसी ID की पोस्ट हम यहाँ पर ला के देंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग API हैं, डेटा सेम नहीं आएगा, सिर्फ हम ID लेके उस हिसाब से कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली API कॉल करवाते हैं, जिसमें हमें सारी पोस्ट दिखाई दे जाएंगी। मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं अगर एक पर्टिकुलर पोस्ट सेलेक्ट हो सकती है, तो हम एक पर्टिकुलर पोस्ट को ही दिखाते हैं टू डू की बजाय। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल साइट पे जाते हैं। ये फेक API है, तो ये फ्री में प्रोवाइड करती है इसलिए। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर 100 पोस्ट ये वाली। ठीक है, ओके. इसके बाद पोस्ट के बाद आप ये वाली API भी कॉल करवा सकते हैं, जिससे आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। तो हम ये वाली दो API को कॉल करवाएंगे, एक ये 100 वाली और एक ये, ओके. ये एंड ये। ठीक है, तो सबसे पहले गेट करते हैं सारे अपनी पोस्ट, 100 के 100 पोस्ट हम गेट करते हैं और UI पे दिखाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी हमें फर्स्ट टाइम पे जैसे हमारा कंपोनेंट माउंट होता है, हमें API कॉल करवानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट हुक, जो कि सबसे पहले चलता है जब भी हमारा कंपोनेंट माउंट होता है। और इसमें एम्प्टी डिपेंडेंसी रखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये एक बार कॉल करवानी है। अभी यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ से आपको रिएक्ट के अंदर से मिल जाएगा, और मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ। पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट गेट ऑल पोस्ट्स। ठीक है, ये हमने रख दिया इसका, सॉरी, ऑल पोस्ट। ओके, यहाँ जाता हूँ और ओके. तो क्या करेंगे, हम इसको एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे, ताकि हम इसके अंदर अवेट का यूज़ कर पाएँ। कॉन्स्ट पोस्ट्स इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस डॉट मेथड का नाम, हमारा मेथड गेट रहने वाला है, और ये वाली API का URL आप इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, मैं इसको सेट करवा देता हूँ, एक यूज स्टेट भी बना लेता हूँ। यूज स्टेट ऑल पोस्ट्स सेट ऑल पोस्ट। ठीक है,
और यहाँ पर ये एक एम्प्टी एरे रहने वाला है और मैं इसको सेट करवाऊंगा। सबसे पहले सेट करवाने से पहले मैं देख लेता हूँ इसमें कंसोल में क्या आ रहा है हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग पोस्ट, ठीक है देखते हैं एपीआई हमारी कॉल हुई है नहीं, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड बता रहा है, देखते हैं यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना भूल गए थे, यहाँ इसको इंस्पेक्ट खोलते हैं और एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, कंसोल में देखें अभी कुछ नहीं आया क्योंकि हमने ये कॉल नहीं करा है यूज इफेक्ट के अंदर। ओके कॉल कर देते हैं और यहाँ जाते हैं, ठीक है तो हमारे पास एपीआई कॉल हो चुकी है हमारी और हमारे पास डेटा आ चुका है, इस डेटा को हम सेट करवा लेते हैं अपनी सेट ऑल पोस्ट्स में। ओके तो पोस्ट डॉट डेटा ये सेट हो चुका है, इसको मैं कंसोल हटा देता हूँ। ओके अभी रेंडर करवाते हैं इसको, यहाँ जाएंगे एक डिव लेता हूँ कंटेनर जो होगा इसका, और क्या करता हूँ इसको ना एक एरे के अंदर वो मैप करवा देते हैं इस डेटा को, तो पोस्ट्स ऑल पोस्ट्स सॉरी ऑल पोस्ट डॉट मैप रिटर्न करता हूँ, रिटर्न करूँगा मैं एक बटन, ठीक है मैं इसे बटन के अंदर बनाऊँगा क्योंकि हमें इस पर क्लिक करके एक और एपीआई कॉल करवाएंगे, ठीक है बटन पे कॉल करूँगा और इसकी आईडी दे देते हैं सबसे पहले, सॉरी यहाँ से मैप से हम निकालते पोस्ट और पोस्ट एक पर्टिकुलर पोस्ट की आईडी और उसका टाइटल और ले लेते हैं पोस्ट डॉट आईडी सॉरी टाइटल। ओके देखते हैं अभी, ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है अभी, ठीक ओके ये हमारे पास सारे बटन आ चुके हैं, आप इन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इनके क्लिक के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर टू डू को लेके आते हैं यहाँ पे कि हम किस टू डू को लेके आएंगे, ठीक है तो क्या करते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं गेट टू डू, गेट टू डू ये हमारी दूसरी एपीआई है जिसे हम बटन क्लिक के ऊपर कॉल करवाएंगे, सबसे पहले हमें एक ये वेरिएबल बनाना होगा क्योंकि हम इसे भी एक एरो फंक्शन बनाएंगे और ये भी एक असिंक फंक्शन रहने वाला है, तो यहाँ पर जाते हैं, ठीक एक और बार इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको कर देते हैं टू डू। ओके और इसका मैं यूआरएल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर देखते हैं ये मैंने यूआरएल चेंज कर दिया है यहाँ पे। ओके ठीक है कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग टू डू, ठीक है टू डू हमने कंसोल करवाया, अभी देखते हैं हम क्या रहा हमारे पास, ये देखते हैं कंसोल करवाया। ओके मैं यहाँ पर फर्स्ट आईडी पे क्लिक करता हूँ, सॉरी हमने ये ऑन क्लिक हैंडल नहीं लगाया यहाँ पे, ऑन क्लिक पे मैं गेट टू डू को कॉल करवाता हूँ। ओके नाउ रिफ्रेश इट। ओके 26 वाले नंबर को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए आप यहाँ डेटा हमें मिल चुका है, आईडी इसकी 1 आ रही है पर हमें आईडी 26 चाहिए, 26 चाहिए क्योंकि हमने यहाँ हार्ड कोडेड दे रखा है, इसे हमें क्या करना होगा बनाना होगा एक टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू डायनेमिक। ओके आईडी अब ये आईडी हम कहाँ से पास करेंगे, जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम पोस्ट की आईडी यहाँ से सेंड करेंगे, इसको करने के लिए यहाँ पर जाएंगे और पोस्ट डॉट आईडी। ओके अब देखते हैं मैं 15 पर क्लिक करता हूँ तो 15 नंबर की आईडी हमें मिलनी चाहिए, यहाँ पर आप आईडी देख पाओगे, मैं इसको जूम करता हूँ आईडी हमें मिल चुकी है 15 वाला टू डू। ओके
इसके बाद दूसरा क्लिक करता हूँ मैं 14 पे, 14 वाली आईडी मिलनी चाहिए। तो एपीआई हमारी सही से कॉल हो रही है, आईडी नंबर 14 का हमें मिल रहा है, ठीक है। अब हम इस डेटा को भी दिखाना चाहते हैं तो बना लेता हूँ एक टू डू ऑल और सॉरी टू डू सेट टू डू, ओके। ये एक ऑब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस टू डू को भी हम यहाँ पर शो करवाते हैं, जो भी हमारा टू डू आ जाएगा इस डिव के अंदर शो करवाते हैं, इस ऊपर ही शो करवा देते हैं, ओके। जिस डिव के अंदर स्टाइल में इन लाइन दे देता हूँ अभी के लिए, बैकग्राउंड कर देते हैं रेड ताकि हमारा शो हो जाए। देखिए अभी हार्ड कोड लिखते हैं तो ऊपर हमारा दिखाई दे जाएगा, ठीक है। सेट करवा देता हूँ पहले टू डू को, चूज टू डू, इसको डेटा नाम दे देते हैं वरना सेम हो जाएगा, ओके। डेटा डॉट डेटा यहाँ मैंने सेट करवाया। और क्या करेंगे, अभी एक एरर आने वाली है उसे दिखाता हूँ मैं। एक तो आईडी प्रिंट करवा देते हैं टू डू डॉट आईडी और टू डू डॉट टाइटल, ओके। एरर आएगी अभी शायद, ये देखिए ईच चाइल्ड शुड बी, ये वार्निंग आई है। अभी हमें ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ 15 नंबर और यहाँ पर आप देखोगे 15, ये क्या वार्निंग दे रहा, वार्निंग दे रहा ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड बी है वे यूनिक की। तो हमें इसको एक यूनिक की देनी पड़ेगी जब भी हम कोई मैप लगाते हैं JSX के अंदर, तो ये एक यूनिक की मांगता है, इसको हम पास कर देंगे ऐसे। यूनिक की हो जाएगी आपके पास पोस्ट डॉट आईडी, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब ये आपके पास वार्निंग चली जाएगी, वार्निंग जा चुकी है। अब देखिए जिस आईडी के बटन को आप सेलेक्ट करेंगे उस आईडी का टू डू हमारे पास यहाँ आ जाएगा, एपीआई कॉल हो रही है। 6 नंबर के आईडी को हमने सेलेक्ट करा तो उसका आ गया, 8 को सेलेक्ट करा 8 वाला आ गया, 1 को सेलेक्ट करा 1 आ गया। तो आप इस तरीके से एपीआई को कॉल करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।